हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल इजी गार्डनिंग में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बरसात के बाद देखिए कितना प्यारा सा जो है गार्डन मेरा हो गया है। और ये देखिए, मैंने ये नया गुलाब ऐड किया था अभी कुछ महीनों पहले। ये देखिए, मैं जो है अपनी मम्मी के यहाँ गई थी तो वहीं से मैंने इनको ख़रीदा था और छोटा सा ही था बिल्कुल, लेकिन अब देखिए इसकी कितनी ज़्यादा ग्रोथ जो है हो गई है। और मैंने इसे जो कोई भी ज़्यादा खास फर्टिलाइजर नहीं दिया, लेकिन ये तभी से ही जो है मुझे अच्छे अच्छे जो है फ्लावर जो है दे रहा है। ये देखिए, हर रोज़ ही इस पर फ्लावर्स जो है देखने को मिलते हैं। और बर्ड्स भी आप देख सकते हैं कितनी सारी जो है बनी हुई हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक और फ्लावर्स देखिए, और बर्ड्स जो है हर एक जो है ब्रांच पे जो है बनी ही हुई हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे गार्डन में जो है बारिश के बाद भी देखिए फ्लावरिंग हो रही है। तो मैं दिखाती हूँ आपके कौन कौन से फ्लावर्स जो है मेरे गार्डन में खिल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सोरा, एक्सोरा पर भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग जो है हो रही है। अभी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हो रही है। तो पूरी समर बारी जो है इस पर थोड़ी 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 जो है फ्लावरिंग होती रही है। तो काफ़ी अच्छा प्लांट है ये, ड्वार्फ वैरायटी वाला मेरा जो है प्लांट है। पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कोलियस में भी देखिए काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग जो है हो रही है। बाकी जो है, अगर हमें इसकी अच्छी ग्रोथ चाहिए तो हमें जो है इसके फ्लावर जो है हटा देने चाहिए। मैंने नहीं हटाए, देखिए फिर भी फ्लावर जो है इस पर बने हुए हैं, देखिए हर ब्रांच पे। पर फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप ग्लैडिया, तो ग्लैडिया भी मेरे गार्डन में देखिए काफ़ी टाइम से जो है खिल ही रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मधुमक्खी जो है देखिए यहाँ पर कैसे फ्लावर्स से जो है नेक्टर ले रही हैं। और देखिए बर्ड्स भी काफ़ी अच्छी बनी हुई हैं। तो मेरे गार्डन में ये जो है दूसरा कलर है, एक येलो कलर भी है। तो फ्रेंड्स देखिए, प्यारे से जो है बर्ड्स जो है बनी हुई हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए ये सनफ्लावर्स को देखिए, पूरी समर बर्ड्स जो है बहुत ही प्यारे से जो है खिले हैं। काफ़ी सारे प्लांट जो है मैंने निकाल दिए हैं जिन पे आप फ्लावरिंग जो है बंद हो रही थी, बहुत ही जो है कम कम जो है फ्लावर जो है उन पे खिल रहे थे। तो मैंने सभी को जो है हटा दिया है, वही रखे हैं प्लांट मैंने जो मेरे गार्डन में जो है फ्लावरिंग कर रहे हैं। देख सकते हैं बोगनवेलिया, बोगनवेलिया में भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग जो है हो रही थी, लेकिन बरसात के कारण जो है सारे फ्लावर जो है इसके ख़राब होकर जो है गिर गए हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं आप मोगरा, तो मोगरा में भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग जो है हो रही है। जो है देखिए ऐसे आ जाती हैं तो इनको हटा देना चाहिए, फिर से हमारे प्लांट जो है फ्लावरिंग पे आ ही जाएंगे। और बारिश होने के बाद काफ़ी अच्छी ग्रोथ जो है इनकी हो गई है और बर्ड्स भी जो है बनना शुरू हो रही हैं। गर्मी का राजा देखिए मोसरोज, यहाँ पर मेरी येलो कलर की मोसरोज देखिए काफ़ी अच्छे से ब्लूम कर रही है। और यहाँ पर एक लाइट जो है पिंक कलर यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छा सा शेड निकल के आया है इनका। और यहाँ पर देखिए कि मेरी पिंक कलर की मोसरोज, तो काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग जो है इन पर हो रही है। देखिए बहुत ही प्यारे से फूल जो है इन पर खिल रहे हैं। ये कैमरे में इतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं जितने जो बिना कैमरे के ये दिख रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी हैवी बड़े बड़े फ्लावर्स जो है इन पर खिले हैं। और मैं एक और बात बता दूँ, मैंने इनको अभी कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, सिर्फ बारिश के पानी से ही ये काफ़ी अच्छे जो है ब्लूम कर रहे हैं। हर रोज़ देखिए ये मेरी जो है बास्केट फूलों से जो है भर जाती है। फ्रेंड्स हैं जो मैंने रेलिंग पे देखिए पूरी की पूरी पर्सलिन लगाई थी वेस्ट मटेरियल में, इन डब्बों में देखिए सभी पे जो है काफ़ी अच्छी जो है हैवी फ्लावरिंग जो है हुई है इन पे। सुबह जब मैं आई थी तो बहुत ही अच्छे फ्लावर्स जो है इन पे खिले हुए थे, लेकिन अब जो है 12 बजे हैं तो ये बंद होने लगे हैं। फ्रेंड्स, तभी मैं वीडियो ये शूट कर रही हूँ, सुबह करती तो बहुत ही अच्छा बहुत ही सुंदर जो है इसका नज़ारा था। और यहाँ पर ये देखिए मैंने नीचे की तरफ भी लगाए हुए हैं, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग जो है इन पे देखने को मिली है। और एक न्यू कलर आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे गार्डन में, ये देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर ये देखिए निकल गया है। इसकी कटिंग जो है मैंने लगाई है, एक दो ही कटिंग जो है मुझे इसी मिली थी, मैंने सोचा कि शायद ये गुम हो गया, लेकिन चलो मिल ही गया मुझे, कितना प्यारा सा कलर जो है ये निकला है। फ्रेंड्स, रेन लिली, तो रेन लिली भी देखिए खिलना शुरू हो गई है। जैसे ही बरसातें शुरू हुई हैं ये जो है ब्लूम करना शुरू कर देती हैं। तो मेरा ये जो है एक ही पोट में लगा हुआ था, मैंने अभी से 3 पोट में जो है शिफ्ट कर दिए थे इसके बल्ब। तो देखिए अब कैसे ये जो है खिलना शुरू हो गई हैं। फ्रेंड्स, देख सकते हैं सदाबहार, सदाबहार तो देखिए हमेशा ही सदाबहार रहती है, और कितने प्यारे से जो है फ्लावर्स इन पर जो है ब्लूम हो रहे हैं। काफ़ी जो है इस बार मेरे गार्डन में बहुत सारे विंटर जो है ग्रो हुए हैं, ये देसी वाले, और बड़े ही जो है भर भर के फ्लावर्स जो हैं इन पर आते ही रहते हैं हर रोज़। यहाँ पर भी देखिए मैंने मोसरोज लगाई हुई है, और ये देखिए एक जो है वाइट कलर निकल के आया है। तो फ्रेंड्स, पहले मेरे पास जो है पिछले साल काफ़ी सारे थे, लेकिन इस बार कटिंग मेरी इधर उधर हो गई तो ये एक ही फ्लावर जो मुझे देखने को अभी मिला है। फ्रेंड्स देखिए, ये है मेरे पास जो है छोटी मिनेचर वैरायटी का जो है गुड़हल, तो ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फ्रेंड्स, काफ़ी मात्रा में जो है इस पर बर्ड्स जो है बनी हुई हैं। देखिए बर्ड्स जो है ये देखिए फ्लावर जो है खिल गए हैं,
और ये अब ड्रॉप हो रही हैं। देखिए आप जो है बर्ड से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, हर एक ब्रांच पर काफ़ी सारी बर्ड्स जो है बनी हुई हैं। हर रोज़ इस पर 6-7 फूल तो रोज़ ही गिरते हैं और कभी कभी तो 10-12 फ्लावर्स भी जो है देखने को हमें इस पर मिलते हैं। तो इस वैरायटी को भी आप अपने गार्डन में जो है ऐड कर सकते हैं। एक और हिबिस्कस देखिए, ये हाइब्रिड वाला है और इस पर जो है कलियाँ आप देख सकते हैं कितने अमाउंट में जो है कलियाँ बनी हुई हैं। फ्लावर्स जो है कल या परसों में जो है खिल ही जाएंगी, तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगी। बहुत बड़ा जो है फ्लावर्स इस पर हमें देखने को मिलता है और इसकी देखिए ये 2 ब्रांच ही हैं, क्योंकि मैंने इसे प्रून नहीं किया, नहीं तो फिर और ब्रांच इसमें जो है डेवलप हो जाती। ये देखिए इसमें जो है इस ब्रांच पे भी काफ़ी सारी जो है कलियाँ जो है इस पर बनी हुई हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, देखिए मेरी ये कनेर बहुत ही खूबसूरत फ्लावर जो है इस पर खिले और फ्लावर जो है पूरी समर भर जो है इस पर खिलते ही रहे हैं, कभी भी फूलों की कोई कमी नहीं है। तो वीडियो जो है दूर से शूट करेंगे क्योंकि प्लांट मेरा काफ़ी ऊंचा हो गया है फ्रेंड्स, और आप देख सकते हैं इसके फूलों का साइज़ भी काफ़ी जो है बड़ा है। ये देखिए और हमेशा ही इसके फ्लावर जो है खिलते ही रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉस्मोस भी मेरे गार्डन में जो है खिल ही रहे हैं समर भर से, और इनको मैंने सीड से ही ग्रो किया था। कुछ पे फ्लावर्स खिले हैं और कुछ देखिए इतने बड़े बड़े प्लांट जो है ये हो गए हैं। तो फ्रेंड्स जब इन पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होगी तो वीडियो जरूर शेयर करूँगी। अभी तो यही सब फ्लावर्स जो है मेरे गार्डन में खिले हैं, लेकिन अब जैसे ही विंटर की शुरुआत होगी तो गार्डन जो है हमारा फूलों से भर ही जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी कटिंग जो है लगा ली है और धीरे धीरे करके मैं जो है सीड भी उनके ग्रो करूँगी।